हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ड्राइंग के ऊपर। दो मेथड थे हमारे पास, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज मुझे आपको ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी, आज से मुझे आपको दो क्वेश्चन कराने हैं। इलस्ट्रेशन 31 शुरू करते हैं। The capital account of X and Y shows balance of 40,000 and 20,000 on 1st April 2017. They share profit बांटते हैं X और Y 3:2 में। Interest on capital मिलता है 10% per annum के रेट से and charge होता है drawing के ऊपर 12% per annum के रेट से। X also advance, X ने लोन दिया फर्म को 10,000 का 1st August पे 2017 पे। During the year X withdraw 1,000 per month at the beginning of every month. एक्स ने 1,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख पे विड्रॉ किए, वेयर एज वाई ने विड्रॉ किए 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। द प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च 2018 बिफोर एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। प्रॉफिट इन एडजस्टमेंट से पहले 20,960 रुपए दिया हुआ है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा हुआ है। तो आपको पता ही है कि आपको क्या बनाना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर है ये 31। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो वहां पे आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं इस क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज करूंगा ना कि पीएल अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 20,960। इसमें से हम लेस कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स ने लोन दिया हुआ ना, एक्स का लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कितना लोन दिया एक्स ने, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, आप सभी को पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, 6% और 1 अगस्त से वहां से बैठ जाएंगे 8 महीने। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका कितना, और ये आ जाएगा 400 रुपए। लेस कर लो 20,560 बैलेंस बच गया। ये कैलकुलेशन यही दिखा दिया मैंने, इसके लिए आप चाहे पीएल भी बना सकते हैं लेकिन शॉर्टकट यूज करूंगा मैं इस बार। फिर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एक्स के लिए वाई के लिए। एक्स की कैपिटल है 40,000, 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000 और Y की कैपिटल लगी हुई है 20,000 आ जाएगा 2,000 रुपीज, 6,000 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में चलेगा X और Y को। फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, लेनी है हमसे इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग X के लिए और Y के लिए। इस बार मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा क्योंकि X ने 1,000 रुपए हर महीने निकाले और 12 महीने निकाले तो उसमें 12,000 रुपए निकालने होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 12% और पीरियड आपको पता होना चाहिए। पीरियड कैसे है, हर महीने की पहली तारीख पे पैसे निकाले और 12 महीने निकाले तो रेट चलता है यहाँ पे 6.5/12। कल ही बताया था रेट, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। और ऐसे ही वाई ने 12,000 रुपए निकाले 1,000 रुपए हर महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और पीरियड आपको पता ही है, एंड में निकाले तो 5.5/12। ठीक,
ये आ जाएगा आपका कितना, ये 780 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 660। टोटल कर लो, ये आ जाएगा 22,000 रुपये। करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, और कोई सैलरी वैल्यू तो है नहीं क्वेश्चन में, अकाउंट क्लोज हो जाएगा 22,000 से। 22,000 में 6,000 रुपए गए तो कितने बच गए, 16,000। 16,000 रुपए को एक्स और वाई में बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स को और वाई को। 16,000 को बांट दो 3:2 में, रेशियो दिया हुआ आपको, तो 9,600 एक्स को मिल जाएंगे और 6,400 रुपए वाई को मिल जाएंगे। ठीक, बस ये बन जाना चाहिए ना। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो तो बड़ा सिंपल है। पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक्स ने लगाए हैं 40,000, वाई ने लगा रखे हैं 20,000। ठीक, फिर अब ऊपर से एप्रोप्रिएशन कॉपी करना है चिट्ठी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,000, 2,000, फिर एप्रोप्रिएशन है 9,600, 6,400 रुपए। ऐसे ही इधर से इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा क्योंकि लोन का इंटरेस्ट तो अलग से लोन अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग का अमाउंट भी आना चाहिए, इसलिए तो कैलकुलेशन यहां सॉल्व करके दिखाई है क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट दिख जाए। 12,000 रुपए एक्स ने निकाले, 12,000 रुपए इसने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, 7,800 का ब्याज इस पे लगा और 6,600 रुपया ब्याज इस पे लगा। टोटल कर लो, अकाउंट क्लोज कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 53,600 और ये आ जाएगा आपका 28,400। टोटल में से लेस कर लो 12,000 और 780, तो ये आ जाएगा 40,820 और 28,400 में से 12,660 रुपए लेस कर लो, ये आ जाएगा 15,740 रुपीस। अकाउंट क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज कर दो। ये चीज तो आपको आती थी, बस ये क्वेश्चन करने के पीछे ये था, इससे आपको पता चलेगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसा होता है। ये फिर भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं था। देखो, ये जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे एक लाइन में सॉल्व कर दिया ना, इसी क्वेश्चन में बुक में सॉल्यूशन आपको दो तरह से दिखाया हुआ। देखो, सबसे पहले इसमें एक्स का इंटरेस्ट निकालना कैसे, प्रोडक्ट मेथड से सारी डेट्स लिखी, अमाउंट लिखे, पीरियड लिखे, मल्टीप्लाई करी इसकी इससे अमाउंट की मंथ से, तो ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के ऊपर आपने फॉर्मूला चलाया, फिर ये कौन सा वाला फॉर्मूला, रेट अमाउंट इनटू रेट इनटू 1/12 अमाउंट आ गया। ऐसे ही फिर उसने कहा, अगर हम ऑलरेडी मेथड से जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये इसने यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखाया। तो इतना लंबा काम इतना करने से अच्छा है एक लाइन में शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन आपको रेट पता होना चाहिए किस रेट पे क्या लगे। जैसे यहाँ पे 6.5 लगा और यहाँ पे 5.5 लगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के पीछे ये मकसद था आपको बताना कि कब आपको शॉर्टकट यूज करना है और कब आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना। ठीक, एक इलस्ट्रेशन हम और देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक हम इलस्ट्रेशन देखेंगे, ये है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्जाम में कभी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर तक
आ जाता है। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें आपको हर चीज मिल जाएगी जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, कैपिटल भी, कमीशन भी, हर चीज आपको कैलकुलेट करने को मिल जाएगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं फर्स्ट अप्रैल 2018 में एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, 4,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया किसी साल में तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? अप टू 3 लाख इक्वली, अगर 3 लाख रुपए तक कमाया तो वो 3 लाख रुपए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर 3 लाख से ऊपर कमाया एक्सेस तो 3 लाख तक तो इक्वली और एक्सेस 3 लाख से ऊपर, तो वो आपका रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/5 ए को, 2/5 बी को, 2/5 सी को, मतलब 1:2:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, सपोज करो मैं प्रॉफिट कमाता हूं 4 लाख रुपए, तो 4 लाख में 3 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1-1 लाख रुपए तो एबीसी को मिल जाए, और जो बचे हुए 1 लाख है, क्योंकि 4 लाख में 3 लाख तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना है, और बचा हुआ 1 लाख को हम 1:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, तो और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5% पर एनम, और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 8% पर एनम। एबीसी आर एंटाइटल टू गेट मंथली सैलरी, ए और सी को मंथली सैलरी मिलनी चाहिए 4,500, ए को और सी को मिलेगी 5,500 रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा बोथ दोनों को कमीशन भी मिलनी चाहिए 4% ईच, 4% ईच लिखा हुआ है, मतलब 4% ही ए को मिलेगी और 4% ही सी को मिलेगी। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब आफ्टर वाला क्वेश्चन है, बिफोर वाला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4/108 और 4/108, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं 4/104 नहीं बोल रहा, मैंने 4/108 ही बोल रहा है, क्योंकि 4% ए को मिलेगी और 4% सी को मिलेगी। ठीक, टेकिंग इनटू कंसीडर आफ्टर सैलरी, मतलब उस प्रॉफिट में से जिसमें से ए और सी को कमीशन चाहिए, उस प्रॉफिट में सैलरी भी लेस होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी लेस होना चाहिए और कमीशन भी लेस होनी चाहिए सारी, तो इसलिए मैंने वहां पे 4/108 ही बोल रहा है। ठीक, ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग पार्टनर की दी हुई है आपको, ए ने विड्रॉ करे 9,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आपको पता है ना एंड पे लगता है आपका 5.5 पीरियड। बी ने विड्रॉ करे 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग पे 6.5 लगता है आपका पीरियड। और सी ने विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, और सी ने विड्रॉ करे 50,000, इसके ऊपर आपको डेट नहीं दी हुई, तो फिर तो आपको पता ही क्या चलता है, वो 6/12 चल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे बिगिनिंग और एंड दिया तो हमने डेट लगा लिया, जहां डेट ना दियो बताया ना हो तो वहां पे हम 6/12 ही चलाते हैं। प्रॉफिट आपको फॉर द ईयर इकतीस बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट दिया 5,47,880। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है जब आपको फिक्स अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब करंट अकाउंट बनाना है आपको। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32 छोड़ दिया मैंने, वो मैं आपको कल बताऊंगा जब मैं आपको कल जनरल एंट्री की नॉलेज दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 5,47,880। ठीक, फिर क्वेश्चन में प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दे, प्रॉफिट तो तब आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। ए ने लगा रखे हैं 5 लाख और 5 लाख का उसे मिलेगा 5%, जो क्या जाएगा 25,000 रुपए। ऐसे ही बी ने
लगा रखे हैं आपके पास 4.5 लाख, 4.5 लाख का 5% आ जाएगा 22,500, और ऐसे ही सी ने लगा रखे हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% आ जाएगा 12,500, टोटल कर लो, और टोटल करके आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट 60,000। ठीक, फिर क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। ए ने निकाले हैं 9,000 रुपए पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 1,08,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 8%, और एंड में निकाले थे ना इसे, तो एंड में चलता है 5.5/12। ऐसे ही बी ने निकाले हैं आपके पास 8,000 रुपए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 96,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है सब पे 8%, और इसने निकाल लेते हर महीने की पहली तारीख पे, तो रेट चलता है 6.5/12। सी ने तो साल भर में ही 50,000 रुपए निकाल ले, डेट नहीं दी हुई, तो जहां डेट ना दी हो तो आपको पता ही है 6/12 चलाना कंपलसरी है। ये आ जाएगा 3,960 रुपए, ये आ जाएगा 4,160 रुपए, और ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक, फिर क्वेश्चन में आपको सैलरी भी देनी है ए और सी को, टू सैलरी, ए की अलग और सी की अलग। ए की सैलरी है 4,500 मंथली, तो साल भर की सैलरी जाएगी 12 से मल्टीप्लाई करें 54,000, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। और सी की सैलरी है 5,500, 12 से मल्टीप्लाई करें आ जाए 66,000 रुपीज, तो टोटल आ जाएगा ये 1,20,000। ठीक, यहां तक क्लियर है बात। आई क्वेश्चन में कमीशन क्या रखी है, टू कमीशन, तो कमीशन कैसे निकाल लेंगे, कमीशन के लिए मैं आपको अलग से नोट दिखा देता हूं साइड में, ए के लिए अलग और सी के लिए अलग। ठीक, तो क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं पहले इसका, 54,000 ये आ जाएगा टोटल 5,58,000। ठीक, तो उसने क्या कहा, ठीक, तो उसने क्या कहा कि ए को कमीशन चाहिए उस प्रॉफिट में से जिसके अंदर, प्रॉफिट में ये भी जुड़ जाता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जोड़ लेना, तो टोटल ये आ गया। उसने कहा उसे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिस प्रॉफिट में से कैपिटल लेस हो रखी हो, सैलरी लेस हो रखी हो, और सारे कमीशन लेस हो रखे हो, मतलब इसकी भी और इसकी भी, तो इसकी निकाल लें, इसकी और बाद में निकलेगी। ठीक, तो क्या करेंगे हम, पहले ए के लिए निकाल लेते हैं, सी का भी सेम अमाउंट आएगा, ए और सी के लिए सेम ही आएगा, एक ही बात है। 5,58,000 में से लेस कर लो 60,000 सैलरी के, लेस कर लो 1,20,000, सॉरी 60,000 इंटरेस्ट, 1,20,000 सैलरी, यह आ जाएगा आपके पास कितना, 3,78,000। इस 3,78,000 का 4% कमीशन चाहिए ए को, ठीक, और 4% ही चाहिए सी को। या तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप 8/108 कर लो, ठीक है जी, तो वो दोनों की निकल आएगी। आप क्या करो यहाँ पे कर लो, क्योंकि 4% ए की है और 4% सी की, तो ये आप करो यहाँ पे 8/108 कर लो, और जो भी अमाउंट आएगा उसे ए और सी में आधा आधा बांट दो। लेकिन मैं ए के लिए निकाल रहा हूं और कितनी बी के लिए आएगी, तो बात एक ही पड़ेगी। तो मैं क्या करना है, मुझे करना है 8/4/108, क्योंकि इसके अंदर मैंने ए की भी जोड़ी और सी की भी जोड़ी, यहाँ पे 108 ये सही लिखा है मैंने, ये गलत नहीं है कि भी आपको लगे कि सर यहाँ पे 4/104 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, क्योंकि 4% ए की है और 4% यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है 4% ईच, 4% ईच का मतलब है जितनी ए को मिलेगी उतनी ही सी को मिलेगी, और इस अमाउंट में से ए की कमीशन भी लेस होनी चाहिए और सी की भी लेस, ना तो मुझे ए की पता ना मुझे सी की पता, तो मैंने क्या किया, ए की ऊपर रखी और इसके अंदर ए की भी जोड़ ली और सी की भी जोड़ ली है, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका कितना,
3,78,000 into 4 upon 108, 14,000 rupees. अगर आप यहाँ पे 8 upon 108 तो वो 28,000 आया था, 28 को आप आधा कर देते तो वो 14,000 हो जाता, बात एक ही है. तो 14,000 ही ए के मिलेगी कमीशन और 14,000 ही सी को मिलेगी, तो टोटल कमीशन आ जाएगी 28,000. कैसे कर लेना, बात एक ही है, ठीक. और बचा हुआ प्रॉफिट को आपको कैसे बांटना है वो तो आपको मैंने बताया है. तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में करना है. ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग, ठीक. अब सवाल ये है बचा कितना. इस अमाउंट में से 28,000 तो सैलरी चली गई, चलो कोई बात नहीं, आप इजी करो, टोटल कर लिया, इस टोटल में सब कुछ लेस कर लो, जो बचेगा अमाउंट वो आ जाएगा आपके पास 3,50,000. और शॉर्टकट बताऊं, ये 3,78,000 था ना, इसमें से आपकी सिर्फ कमीशन ही लेस हो रखी थी भाई, इसमें से सैलरी इंटरेस्ट और सैलरी तो लेस हो रखी है, कमीशन और लेस करें तो इसमें टोटल मैंने क्या किया 3,78,000 में 28 लेस कर दिया, वो डायरेक्ट 3,50,000 आ गया. अब उसने क्या कहा था, इस 3,50,000 को कैसे बांटना, कहता 3,00,000 को तो बांटना ए बी और सी में इक्वली, और बचे हुए पैसे को कैसे बांटना, बांटना 1:2:2 में. तो इक्वली बांटने का मतलब क्या है, ए को मिल जाएंगे यहां पे 1,00,000, ए को मिल जाएंगे 1,00,000, ही बी को मिल जाएंगे और 1,00,000 ही सी को मिल जाएंगे. भाई 3,00,000 का बराबर कर दी ना, ठीक, दिख रहा होगा आपको आई होप, ठीक. और बचे हुए 50 को 1:2:2 में मतलब 10,000 रुपए ए को, 20,000 रुपए बी को और 20,000 रुपए सी को, देख क्या होगा, टोटल कर लो, ये आ जाएगा 1,10,000 रुपए ए को मिलने चाहिए, 1,20,000 रुपए बी को और 1,30,000 रुपए सी को. समझ में आया कैसे आया, ये इसमें जोड़ लिया, सॉरी 1,20,000, 30 नहीं है, सॉरी ये 20 है ना, 1,20,000, तो 1,10,000 1,20,000 ये हो गया आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन. अकाउंट क्लोज कर दो 5,58,000 से. बात कुछ समझ में आई, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक. और क्या बनाना था हमें, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था, वो तो बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ही तो करना है, ऊपर की चीजें बना देता हूँ देख के बन जाएगा. एक हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, ए बी सी, ठीक. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी करंट अकाउंट में बैलेंस जाता ही नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें जैसे इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग का अमाउंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस ये कॉपी करना है, सिर्फ एज इट इज मैं इसे कॉपी कर दूंगा. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं, 25,000 ए के लिए, 22,500 बी के लिए और 12,500 सी के लिए. नेक्स्ट सैलरी 54,000 ए को मिलनी थी, सी को तो कुछ दी नहीं थी, और 66,000 की सैलरी सी को मिलनी थी. बाद में फिर हमने कमीशन भी दिया है 14,000 का ए को, 14,000 ही सी को. फिर हमारे पास प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन का, कितना 1,10,000 ए को मिला, 1,20,000 बी को और 1,20,000 ही सी को मिला, ठीक. उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट था टू ड्राइंग,
ड्रॉइंग का अमाउंट था 1,08,000, तो ए ने निकाले थे, और 96,000 बी ने निकाले थे, और 50,000 सी ने विड्रॉ किए थे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था वो 3,960,4,160 and 2,000 rupees। ठीक, और तो कुछ नहीं है, टू बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 2,03,000। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं जाते, ये इस बार क्वेश्चन फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग से नहीं, 42,500, और ये आ जाएगा 2,12,500। इस टोटल में से ये लेस कर लो, आपका बैलेंस आ जाएगा 91,040। इस टोटल में से ये लेस कर लो, आपका बैलेंस आ जाएगा 42,340। और ये सेम ट्रीटमेंट सीख रहे, इस टोटल में से ये 52,000 लेस कर लो, आ जाएगा 1,60,500। अकाउंट क्लोज कर दो 2,03,000 से, 1,42,500 से, और 2,12,500 से। ठीक, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये रहा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो बस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।